जैसे अयोध्या वासियों के साथ भगवान श्री राम साकेत को गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ उत्तम नगर वासी सुधाम को जाने लगे। सब भागवत की महिमा का बखान कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। ये भागवत की कथा प्रेत को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। काम मुक्ति तो बड़ी सरल है। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों सहज में प्राप्त हो जाती है। मुक्ति ही करतले स्थिता। अगर एक भागवत का श्लोक भी कोई श्रद्धा से सुन ले तो मुक्ति उसके करतल माने हाथ में आ जाती है। वह जब चाहे तो वह मुक्ति का प्रयोग कर सकता है। मुक्ति से ज्यादा भगवान की भक्ति की महिमा होती है। संत जन ऐसा कहते हैं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भगवान की भक्ति चाहिए। मुक्ति भी एक बार भगवान से कहने लगी, प्रभु हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति मोहे बताओ। मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति मोहे बताओ। ब्रज रज उड़ माथे लगे, मुक्ति मुक्त होए जाओ। भगवान भक्ति कहते हैं, प्रभु हमारी मुक्ति कहते हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी। भगवान ने कहा वृंदावन चली जाओ, और वहां परिक्रमा में जब संत परिक्रमा कर रहे हो तो उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगा लेना। पावन चरण रज लगने से तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए महात्मा जन मुक्ति का आदर नहीं कहते, मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्त होने के बाद जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए। हमें जन्म मिले और हम यहीं पर संसार में आए और भगवान की भक्ति कर सके। तो श्रीमद् भागवत से भुक्ति भी प्राप्त होती है और मुक्ति भी प्राप्त होती है। भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति श्रीमद् भागवत महापुराण से हो जाती है।